बिग बॉस के घर में ईशा और अंकिता के बीच हुआ है झगड़ा। जी हाँ, घर की ड्यूटीज को लेकर इन दोनों के बीच हुआ है झगड़ा। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताते हैं टेली न्यूज के इस वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें। बिग बॉस 17 के सीजन में होने वाला एक बड़ा झगड़ा जी हाँ अंकिता और ईशा के बीच। हम आपको बता दें, अंकिता जो हैं वो आर्चीव रूम में रहती हैं और वहाँ पर ईशा आती हैं अंकिता को उनकी ड्यूटीज़ को लेकर चीज़ें बोलती हैं। जी हाँ, ईशा बोलती हैं कि आप 5 दिन हो जाते हैं लेकिन अगर आपको आपकी ड्यूटी रिमाइंड ना कराई जाए, आप अपनी ड्यूटी नहीं करती हैं, आप टॉयलेट क्लीनिंग नहीं करती हैं। जिस पर अंकिता कहती हैं कि मुझे जितना करना आता है मैं उतना कर देती हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। जी हाँ, जिसके बाद अंकिता और ईशा के बीच होने लगता है झगड़ा और ईशा कहती हैं मैं आपको कोई भी छोटी सी बात बोलती हूँ तो आप झगड़ा करने लगती हैं। जिस पर अंकिता कहती हैं तुम ही इतनी सच्चता की देवी बन रही हो तो तुम ही साफ कर लो, मुझे जितना आता है मैं उतना कर देती हूँ। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि घर के काफ़ी सारे सदस्यों को ये लगता है कि अंकिता अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाती हैं। एक बार ऐश्वर्या ने भी आवाज़ उठाई थी, वहीं अभिषेक ने भी आवाज़ उठाई थी और अब ईशा ने बोल दिया है अंकिता को उनकी ड्यूटीज़ को लेकर। तो आपको क्या लगता है, क्या अंकिता अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रही हैं या फिर घर वाले बेमतलब का मुद्दा बना रहे हैं? तो आपको क्या लगता है इसमें कौन है सही, ईशा जो कह रही हैं अंकिता को अपनी ड्यूटीज़ करने के लिए, या फिर अंकिता जिनको लगता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ टाइम टू टाइम कर रही हैं, ईशा बस झगड़ा करने आ गई हैं? वेल, आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ टेली न्यूज़ पर।